भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत नालागढ़ पहुंचे। इस मौके पर विधायक लखविंदर राणा, इंटक प्रदेश अध्यक्ष हरदीप बावा के अलावा सैकड़ों किसान मौजूद रहे। इस दौरान राकेश टिकैत ने बताया कि हिमाचल में किसानों को आ रही समस्याओं को सरकार के समक्ष रख कर हल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेब सब्जियों वाले किसानों को उचित मूल्य सरकार नहीं दे रही है, किसान गरीब ही रह जाता है और उनसे खरीदने वाले अमीर हो रहे हैं। वहीं अग्निपथ योजना पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, चार साल बाद नौजवान फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड बनकर रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेताओं को भी पाँच साल बाद रिटायर हो जाना चाहिए। यहाँ पे जो वेजिटेबल्स पैदा होती है, यहाँ का जो फल फ्रूट पैदा होता है, यहाँ के किसानों को भी दिक्कत है। कंपनी धीरे धीरे कब्जा करती जा रही है। जैसे आपने देखा कि पिछली बार सेब के किसानों को एक ही दिन में अडानी ने कहा कि हम 16 रुपया कम रेट करेंगे, मतलब मार्केट को भी अपने आप तय करते हैं और कह के करते हैं। तो उन किसानों को कैसे हम प्रोटेक्शन देंगे, तो वो बात उनकी सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। वो चाहे वेजिटेबल्स का किसान हो, जो ऑफ सीजन में सब्जियां पैदा करके नीचे देता है हमको, वो दिल्ली की और वहाँ की मंडियां करता है। हमारा यही कि उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सरकार, यहाँ की सरकार मुहैया कराए तो कुछ उन किसानों को फ़ायदा हो जाएगा। लेबर की बहुत दिक्कत आ रही, अभी दवाई महंगी होगी, लेबर महंगी होगी, लेकिन रेट महंगे नहीं हो रहे। बाज़ार में तो महंगा बिकता है लेकिन किसान को नहीं मिलता, ये बड़ी समस्या है। कुछ जगह ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है एयरपोर्ट के नाम पे, सड़कों के नाम पे, उनको उस हिसाब से उचित मुआवजा नहीं मिलता। MSP सारी चीज़ों पे मिलनी चाहिए, ये हमारा एक बड़ा सवाल है। और जैसे यहाँ मक्का की खरीद, मक्का आ गई लेकिन खरीद MSP पर नहीं होगी। धान पे कुछ खरीद जो जीरी पे था, कुछ खरीद पिछले साल हुई है, जहाँ जहाँ आंदोलन हुए तो उस पर खरीद हुई है। MSP गारंटी कानून देश में लागू हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, C2+50 वाला फार्मूला लागू हो, ये हमारी डिमांड है। यहाँ के किसानों को जागरूक करने आए कि आओ और आगे बढ़ो। वो चाहे ऊपर जितने भी हमारे ऊपर की जगह पड़ती है, जहाँ पर सेब खास करके पैदा होता है या खुमानी पैदा होती है, उन किसानों को भी लाभ मिले आगे। यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, बहुत लोग आते हैं लेकिन होटल किन के हैं? होटल बड़े बड़े लोगों के होटल हैं, जो बाहर रहते हैं दिल्ली वालों के, उनके होटल मिलेंगे, सारा पैसा यहाँ से वहाँ जाता है। हम अभी 5-6 दिन हम यहीं हिमाचल में रहेंगे, सब जगह जाएंगे, क्या क्या चीज़ें होनी है उसका एक ड्राफ्ट तैयार करके और फिर यहाँ की सरकार से मिले। आंदोलन तो ठीक रहा, किसान अपनी बात कहना सीख गया, बढ़िया आंदोलन रहा। बदनाम करने की साजिश बहुत चल रही सरकार ने, क्योंकि जालसाज है ना साजिश। सरकार ने कुछ पे काम कराया, कुछ पे नहीं करा, उसके लिए आगे फिर तैयारी करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, ये बताएंगे कि सरकार ने जो वादा करा था वो काम नहीं करा। MSP गारंटी कानून पे बात करनी थी, बिजली अमेंडमेंट बिल पे बातचीत करनी थी, उस पर नहीं हुए। बहुत मुकदमे किसानों के ऊपर लगे हुए हैं, वो वापसी नहीं हुई। तो एक बड़े आंदोलन की देश में फिर ज़रूरत है। किसानों को आंदोलन के दौरान किसानों पे केस डाले गए थे, वो मुकदमे अभी बहुत जगह वापसी नहीं हुई। पंजाब हरियाणा में कुछ मुकदमे वापसी हुए हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मुकदमे अभी रह रहे हैं। उसको तो फैक्ट्रियों के लिए सस्ता मजदूर, सरकारी सस्ता मजदूर फैक्ट्रियों के लिए तैयार कराने की प्लान है उनकी। इसकी नौकरी 4 साल हो गई हो, वो भाई रिटायरमेंट लेकर घर चला जाए। बहुत अधिकारी है ना जिनमें पॉलिसी बनाई है, तो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं और फिर वो इस पर ड्राफ्ट लिखे। तो हमें जो है 4 साल की रिटायरमेंट होनी बिल्कुल होना चाहिए, 4 साल का, 1 साल की चलो छोड़ दे तो 5 साल में रिटायरमेंट होना चाहिए। और वो फिर एक चुनाव लड़ने के बाद में कभी चुनाव ना लड़े, ये भी उसमें बिल्कुल कर दो। तो ये हम 24 तारीख में पूरे देश भर में DC के वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे, बच्चों के साथ में, जो युवा है उनके साथ में, 24 जून 24 जून को, और एक ज्ञापन जाएगा।
ये हर डीसी डीएम के यहाँ पर होगा, ये संयुक्त मोर्चे की तरफ से जिला स्तर पर। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोनी।